तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं, आज देखोगे। क्यों सीक्वल में प्रीति का नाम भी नहीं? कौन होगा फिल्म का सिनेमेटोग्राफर? कब होगी फिल्म रिलीज? कौन करेगा प्रीति को रिप्लेस? किसी भी फिल्म के बारे में आप कितना जानते हैं? आप कहेंगे कि जितना हमें ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है बस उतना ही, लेकिन क्या आपको पता है एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्टर्स या डायरेक्टर्स के अलावा भी कई लोगों का हाथ होता है, और आज हम इस वीडियो में उनके बारे में ही बताने जा रहे हैं, तो जरा विस्तार से सुनिएगा। हर फिल्म अलग अलग शैली की होती है और हर फिल्म में तरह तरह के प्रॉप्स यूज होते हैं, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि फिल्म में प्रॉप्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। सोल्जर 2 जो है वो मिलिट्री बेस्ड एक्शन फिल्म होने वाली है, तो इसमें कई सारे प्रॉप्स जैसे यूनिफॉर्म्स, मिलिट्री हेलमेट्स, कैप्स, वेस्ट, प्लेट कैरियर्स, टैंक, मोलेल पाउचेस, वॉर बेल्ट्स, स्लिंग्स, हॉल्स्टर्स, एल्बो एंड नी गार्ड्स, नाइव्स, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट एक्सेट्रा का इस्तेमाल होगा। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रोडक्शन हाउस में मिलिट्री प्रॉप्स कहां से सप्लाई होता है? नहीं, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आपको विस्तार में बताते हैं। इंडियन प्रोडक्शन हाउस में मिलिट्री प्रॉप्स जो है वो आते हैं ऑलिव प्लैनेट से, जो भारत का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्टोर है, खासकर प्रीमियम क्वालिटी मिलिट्री प्रॉप्स और टैक्टिकल गियर सोल्जर्स के केटरिंग के लिए। ये सब चीजों के साथ साथ स्टूडियो और जंग के मैदान भी सोल्जर 2 का अहम हिस्सा होने वाला है। मेकअप, आपको क्या लगता है फिल्म में जब एक्टर्स हंसता है या रोता है तो हमें हंसना या रोना क्यों आता है? ये सब मेकअप का कमाल होता है। सोल्जर 2 में भी मेकअप की जरूरत काफी ज्यादा होने वाली है। सोल्जर के फाइट सीन्स या वॉर के सीन्स को बिफोर आफ्टर इफेक्ट देने में मेकअप का बहुत बड़ा रोल होगा, खास करके लीड एक्टर्स के लिए। उनके चेहरे में खून, धूल, चोट, ये सबको दिखाना, ये सबको उनपे टाइम टू टाइम लगा देना, फिर सीन कट होने पर हटाना बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट उन्हें बखूबी से निभाते हैं। सिनेमेटोग्राफी, सोल्जर पार्ट 1 का सिनेमेटोग्राफी थॉमस ए एक्सेवियर थे, उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया था, हर सीन्स को बारीकी से कैप्चर किया था। सोल्जर 2 में अब कुमार तौरानी साहब किसके हाथ में सिनेमेटोग्राफी का काम सौंपेंगे, ये तो अपनी की अच्छी स्क्रिप्ट की खोज पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा। एडिटिंग, सोल्जर 2 जो है वो काफी धमाकेदार फिल्म होने वाली है, जिसमें कई सारे एक्शन के सीन्स होंगे जो कि एक्टर्स खुद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उन्हें स्टंट डबल की जरूरत पड़ने वाली है। अगर किसी भी फिल्म में स्टंट डबल का इस्तेमाल होता है तो फिल्म की एडिटिंग और VFX तो बहुत ही तगड़ा होना पड़ेगा, ताकि फिल्म में कहीं हीरो की जगह स्टंट डबल का चेहरा ना नजर आए, क्योंकि पुअर एडिटिंग या VFX की माल फंक्शनिंग की वजह से ऐसा भी हो चुका है। फिल्म में लीड एक्टर के उड़ते हुए सीन्स में उनकी जगह उनके स्टंट डबल का चेहरा दिखाई दे रहा था, तो एक एडिटर को इन सारे बातों का ध्यान में रखना भी जरूरी है। वैसे तो पिछले फिल्म को तो हसन ए बर्मन वाला ने एडिट किया था, अब पता नहीं इस बार सोल्जर 2 को कौन एडिट कर सीन में प्ले करने के लिए तैयार करेगा। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताएं।